नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भैंसदेही जनपद पंचायत मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बरहापुर के आदिवासी सरपंच विजय धाड़से ने अपने ही सहायक सचिव संदीप मगरदे पर गलत तरीके से राशि आहरण करने का लगाया आरोप। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष सोलंकी के नेतृत्व में जनपद पंचायत सीओ एवं थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित आदिवासी सरपंच ने ज्ञापन में उल्लेख कर बताया कि संदीप मगरदे ने मेरे बगैर अनुमति के मुझे भ्रमित कर सीओ का नाम बताकर 1,55,000 रुपये की राशि निकाली है। इसके उपरांत फर्जी मस्टर रोल मेरी बगैर साइन के जारी कर दिए हैं। लगभग 8 दिन से 15 वित्त में फीडिंग कार्य को लेकर डीएससी स्वयं के पास रखकर राशि निकाली है। जिस प्रकार से संदीप मगरदे हमेशा मुझे कहता था और दबाव बनाता था कि मैं सीओ को पेमेंट देता हूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इस प्रकार से कई दिनों से मुझ पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी करता था। पीड़ित आदिवासी सरपंच ने सीओ एनएस रघुवंशी से मांग की है कि अति शीघ्र बरहापुर पंचायत सहायक सचिव संदीप मगरदे को हटाकर किसी दूसरे सचिव की नियुक्ति करें। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार धाड़से। कौन सी पंचायत सरपंच हो आप? बरहापुर पंचायत। ये जो क्या मामला हुआ कि आपने थाने में भी एक आवेदन दिया है सचिव के खिलाफ में और सीओ को भी दिया है? हाँ, ये संदीप मगरदे को जो है जी 15 वित्त की जो राशि थी और उसमें कि अपलोड हो रही बोले, और अपलोड होने के बाद उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारी जीएसटी अपलोड करके कि नहीं वापसी आपको दे दूंगा। अपलोड होने के बाद तो जीएसटी मेरे कहने 6 दिन हो गए, बाकी कि नहीं राशि ये जीएसटी वापसी आई नहीं और उनने कि नहीं मेरी राशि निकाली। कितनी राशि निकाली? 1,55,000। किन कार्यों को लेकर निकाली? ये कार्य को लेकर कि नहीं उसमें मेरी साइन भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करवाए और जांच करवाने के बाद और कि नहीं ये कौन से मत में निकले हैं उसकी कि नहीं मेरे को तुरंत कि नहीं खबर किया जाए। ये आपकी पंचायत जो बरहापुर पंचायत है इसमें कब से? ये बरहापुर पंचायत में आज बोले तो 2 साल। 2 साल हो गए। इसके पहले भी आप कुछ ऐसी शिकायतें आई थी इसके बारे में आपको? इसके पहले शिकायत आई थी तो उनने कि सीओ को बोला था कि भाई सीओ को तो मैं कि पेमेंट देता हूँ बोले, अब तुम कि मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। संबंध में बताइए। सरपंच द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया था तो उसकी जांच के लिए हमने बीपीओ और सबनियर की टीम गठित की है। वो अपने 2-3 दिन में उसकी रिपोर्ट देंगे। क्योंकि बिगर कार्य के 14 वित्त या 15 वित्त में कोई भी कार्य का भुगतान नहीं होता है। जब तक उस कार्य का जियो टैग नहीं होता है उस पर कोई भी भुगतान की राशि आहरित नहीं होती है। सर, सरपंच ने थाने में भी एक आवेदन दिया है इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं तो दिया होगा आपने। खबर समय जगत के लिए भैंसदेही से बाबा सोलंकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।